है एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी का लड्डू। और जो आज मैं लड्डू बना रही हूँ, नो शुगर नो घी, बहुत ही हेल्थी लड्डू बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जैगरी का सिरप बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी इसमें कुछ बालू की तरह होता है, उसको मैं छानूंगी। तो देखिए ये जैगरी मेल्ट हो गया, मैं फायर ऑफ करके पहले इसको छान लूंगी, उसके बाद मैं इसको और पकाऊंगी। और ये देखिए जैगरी उतना क्लीन भी नहीं होता है। तो जो मैं भी छान के रखी थी इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा करना है। अगर बहुत वाटरी रहेगा तो बहुत जल्दी लड्डू खराब हो जाएगा। इसको कुछ देर तक मैं पकाऊंगी, अब एक महीने तक आप लोग लड्डू रख सकते हैं, अगर कोई थोड़ा सा पका के जैगरी डालेगा। ऐसे डाल दो बहुत जल्दी लड्डू खराब हो जाता है। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि डायबिटीज है तो क्या स्वीट हम खा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए लड्डू मैं बना रही हूँ। और रागी के बहुत सारे फायदे हैं, रागी लोडेड विद कैल्शियम है, और भी बहुत सारा फायदा है। ओके, तब मैं फायर ऑफ कर रही हूँ, और ये सिरप इतना गाढ़ा होना चाहिए, बहुत गर्म है लेकिन मैं दिखा रही हूँ ऐसे, एक तार की चाशनी। देखिए इस स्पून से मैं कोकोनट ऑयल डाली हूँ, 1 स्पून से थोड़ा सा और कम। मैं घी नहीं डाली हूँ बिकॉज मैं वीगन डाइट फॉलो कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट आपका अपना चॉइस है। मैं काजू और बादाम डाली हूँ। अब ये रोस्ट हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी रागी फ्लावर। 1 कप मैं रागी फ्लावर यूज कर रही हूँ, और रागी फ्लावर नेचुरल आयरन है, इसमें एनीमिया पेशेंट के लिए बेस्ट है, डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। और इसको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, इसका सब विटामिन चला जाएगा, विटामिन डी भी है रागी के अंदर। और रागी फ्लास सबको यूज करना चाहिए, लूज वेट के लिए भी बहुत अच्छा है, डिप्रेशन टेंशन, अगर किसी को माइग्रेन है तो रागी फ्लास किसी ना किसी रूप में जरूर लेना चाहिए। डोसा हो गया या लड्डू हो गया, जो भी रागी फ्ला से बनता हो, चपाती, बहुत फायदा करता है। रागी ग्लूटेन फ्री है और इसमें फाइबर भी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, इलायची पाउडर भी हो सकता है, अगर किसी को डालना है, मैं यही डालती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ जैगरी सिरप, एक बार में सारा नहीं डालना है। तो देखिए इतना सिरप बच गया, मैं सारा नहीं डाली हूँ। हाथ में मैं ऑयल लगाई हूँ जिससे लड्डू चिपकेगा नहीं, और बहुत इजी से बन जा रहा है। बड़ा छोटा आपका अपना चॉइस है, किसको कैसा करना है, मैं बहुत बड़ा नहीं बनाती हूँ। ओके, तो देखिए सारा लड्डू बन के रेडी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।